हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है थर्सडे और वीडियो बनाने का फोर्थ डे हो गया है। आज मैं और डे के कंपेरेटिवली एक अलार्म में ही उठ गया और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ आज बैडमिंटन खेले जाने के लिए, जस्ट बिकॉज वो कल जो मैं नई ग्रिप लेके आया था ना, उसकी वजह से। फटी की ग्रिप दिखाई थी ना मेरे रैकेट की, आज देखो मैंने ग्रिप चढ़ा दी इसमें। कैसी लग रही है? काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया अब इसकी ना, कंट्रोल वंट्रोल सब आ गया इसमें। और इसमें भी चढ़ा दी, इसमें थोड़ी ऐसी वाली है। ये बाय द वे लीनिंग का है, ये योनेक्स का है। जो लोग रैकेट खेलते हैं उन्हें पता होगा, ये एकदम कंट्रोल है, बैलेंस रैकेट है। इसका थोड़ा हेड हैवी है, इसमें स्मैश जाते हैं, बट ये मेरे को पसंद है योनेक्स। खत्म हो गया था तो वो लेने आ रखा हूँ अभी। इसके साथ साथ कुछ लिया है वो दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, सो पहली मील रेडी हो चुकी है। ये 5 अंडों का ऑमलेट है और 4 स्लाइसेस ले लिए मैंने ब्राउन ब्रेड के आज। कल मैंने बताया था कि लेग डे बहुत ज़्यादा टेक्निकल डे होता है, बहुत प्लानिंग से उसमें हमें मील लेनी होती है, हमारी सारी प्लान करनी पड़ती है। वर्कआउट के 2-4 घंटे के अराउंड कुछ भी नहीं खाना होता। वैसे ही जो पुश डे होता है ये सबसे ईजी होता है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो क्योंकि पुशिंग मूवमेंट्स में आपको फिर वो हेल्प करती है जब भी आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि शोल्डर होती है, चेस्ट होती है, ट्राइसेप होती है। सुबह याद है मैंने बताया था मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, बाद में दिखाऊंगा। तो मैंने 2 एग टू पॉपकॉर्न लिया है, एक डाइट कोक लिया है क्योंकि वो इंडिया इंग्लैंड का मैच स्टार्ट होने वाला है उसके लिए, और एक कोक जिसमें कैलरी एक पानी के जितनी रहती है, मतलब 0 कैलरी है इसमें। आई वोंट से इट हेल्दी क्योंकि इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक बिटवीन केमिकल्स और शुगर। एक टाइम पे मैं इतना मोटा रह चुका हूँ ना, तो मैं शुगर तो नहीं लूंगा, मैं केमिकल्स लेना प्रेफर करूंगा कभी कभी, क्योंकि ये भी मैं रोज नहीं पीता, ऐसे बड़े बड़े कोई मैच हो गए उन दिनों के लिए। ओके गाइस, मैच स्टार्ट हो गया है। प्रिडिक्शन टाइम, कोई चिंता वाली बात है नहीं, बात पक्की होगी जो होगी। चलो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कौन जीतेगा। इंडिया इजीली, चांस ही नहीं है इंग्लैंड का। बस भाई बंद कर रहा हूँ मैच, ओट्स खाने जा रहा हूँ अब। और क्या यार, अपने पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, इन लोग के पीछे तो भाई लाइफ नहीं खराब करनी। अगले साल फिर वर्ल्ड कप है। लास्ट टाइम अभी मुझे याद है एशिया कप जब हारे थे मैं परेशान हो गया था, विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे कहता नहीं नहीं हम तो उसके लिए वर्ल्ड कप पे ध्यान दे रहे हैं, इस पे हमें क्या मतलब। मतलब मैं वहाँ पे मैच देखने गया था, एशिया कप जीतेगी, इंडिया जीतेगी जीतेगी, इनको क्या मतलब, ये तो ध्यान दे रहे थे वर्ल्ड कप पे। लेकिन मैं हूँ दिमाग खराब मेरा, मैंने कहा अच्छा अच्छा हाँ सही बात है यार, ये तो वर्ल्ड कप पे ध्यान दे रहे हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अरे मेरी टीम है वर्ल्ड कप पे ध्यान दे रही है, ये ध्यान दे दिया। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। क्या बोल रहे थे लोग? पाकिस्तान को बोल रहे थे भाई, जब वो पहला मैच हारते इंडिया साउथ अफ्रीका से, हार जा वो बाहर हो जाएंगे, वो पाकिस्तान को बाहर करो, पाकिस्तान को बाहर करो। अबे खुद तो बांग्लादेश को उस दिन हरा नहीं पाए थे। वो केएल राहुल का जो रन आउट था ना, केएल राहुल के बारे में क्या ही बात करूं, वो जो रन आउट था उसकी तारीफ बिल्कुल मत करना, वो फ्लूक था। जिसने भी थोड़ी बहुत भी क्रिकेट खेली है ना, उसको पता है जब बॉलर फिल्टर जब पिक करता है ना बॉल, वो विकेट के एरिया में बस फेंक देता है, वो फ्लूकली उसका लग गया था एकदम गलती से, पता नहीं यार। छोड़ क्या बोलूं, छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। क्या बोल रहे थे पाकिस्तान को? कराची एयरपोर्ट आएंगे, लाहौर बस स्टॉप आएंगे। अब ये कहाँ आएंगे? पैसे नहीं है उन पे, तैर के आएंगे पाकिस्तान वो, अब ये कैसे आएंगे? हार गए वो तो फाइनल में भाई, इनसे अच्छा खेल गए, बहुत अच्छी टीम है, उस दिन बच गए थे ये लोग, बांग्लादेश से ही हार जाते यार, यहाँ तक भी क्यों पहुंचे, ये दिमाग खराब हो रहा है यार। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। अब पता क्या होगा, आप देखो गुस्सा है हमारे अंदर, इनके अंदर भी अब गुस्सा जागा है। अब पेटीएम सीरीज करेंगे इंडिया में, बांग्लादेश श्रीलंका जिनके घर में खाने के लाले हैं उन बिचारों को, गरीब को बुलाएंगे, मार देंगे उसको, पेटीएम सीरीज में जीत गए वही वाह वाह हो गई इनकी, अरे वाह जीत गए हम तो, उस बेचारे गरीबों को मार देंगे इस गुस्से में। इंग्लैंड इनको हरा रही है बड़े बड़े टूर्नामेंटों में, ये अपने पेटीएम टूर्नामेंट करवाएंगे, सीरीज करवाएंगे, उस गरीब को मार देंगे बेचारे को। छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। कुछ और क्या बात करते हैं। और हाँ, केएल राहुल को आज तक नहीं पता वो क्यों खेल रहा है, किस कोटे से खेल रहा है, वो दाढ़ी है उसके पास, उसके पास क्या है, कभी आज तक उसने रन नहीं मारे कहीं पे, मैंने उसे रन मारते हुए देखा, पता नहीं उसको क्यों खिलाते हैं टीम में, क्या आरसीबी कोटा क्या कोटा लगता है उसका मुझे नहीं पता।
और अगर कोई उसका फैन है ना भाई, मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, मेरे से बात ही मत करो भाई। वो बंदे का जो भी फैन है यहाँ पे, उसको जो सपोर्ट करता है, छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। इनके बारे में बात नहीं करनी यार, अपना खुश रहो। इनको क्या मतलब भाई, ये तो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पटेल नगर में बैठ के इनके बारे में क्या बोले, इतने बड़े लोग हैं। हम चलते हैं भाई जिम, मील ले रहा हूँ, व्हाट्सअप ने खत्म करता हूँ, अपने आप पे ध्यान दो भाई। और आज के बाद इंडिया को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरे पास एक जर्सी पड़ी है, प्लेयर एडिशन जर्सी है वो नाइकी, जिसको चाहिए मेरे घर आओ, मेरे को मैसेज करो, वो ले जाओ भाई, मेरे को चाहिए ही नहीं, इसको सपोर्ट ही नहीं करना भाई इस टीम को। चलो गाइस, जा रहा हूँ जिम आज, इतना ज्यादा पंप टू ना मैं, इंडिया जब से हारी है, और डंबल्स को, रॉड को ना इंग्लैंड समझ के उठाऊंगा। अलविदा। ओके, सो मैं जिम से अभी आ गया। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सेशन था, पुश डे था मेरा जिम में, और तुम मैं ही परेशान नहीं है, वहाँ पे जिम में सारे ही परेशान थे इंडिया के हार जाने से, सारे ही स्ट्रेस में थे। लेकिन मेरा सेशन इतना अच्छा गया, सारा स्ट्रेस निकल गया, और इंडिया को भी यार अब मैंने माफ़ कर दिया। और अगले साल 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है इंडिया में ही, तो फिर इंडिया को सपोर्ट करेंगे, बर्बादी की हद तक करेंगे। क्योंकि क्या है ना दोस्त, कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता, सिर्फ मैजिक होता है। और हाँ, पर केएल राहुल को नहीं किया माफ भाई, उसको तो आज ही मतलब रिटायरमेंट साइनमेंट करवा के उसको भेज दो, उसको कोई फॉर्मेट मत खिलाओ। फाइनल मील ले रहा हूँ, थोड़े से चिकन है, फ्राई राइस है, और आज दिन तुम्हें पता ही यार कैसा गया, क्या सोचा था संडे को क्या क्या होगा। लेकिन अब चल छोड़ो, वीडियो करता हूँ यही एंड, बाय। इस साल एक और कप है, एंड इफ ओरियो कैन लॉन्च अगेन, इंडिया कैन विन द कप अगेन, अब कनेक्शन पूरा क्लियर हो गया।